अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त दुर्रे नायाब आज आपके लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी। बहुत इजी है, जल्दी से बन जाती है। अब हम देख लेते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें इसके लिए चाहिए। मैंने जो है ना 3 नॉर्मल साइज़ के आलू कटे हुए ले लिया और उन्हें इस तरह से इस शेप में काट लिया, और एक लार्ज साइज़ का टमाटर, और जो है ना 2 लार्ज साइज़ के जो है ना मेरे प्याज, उन्हें इस तरह से मोटा मोटा सा कट कर लिया। अब हम चलें जी अपना रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अब हमने कढ़ाई में देख सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो ऑयल ले लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज को चॉप किया था अच्छी तरह से, उसे इसमें बिल्कुल चॉप हुई हुई छोटी छोटी प्याज नहीं डलती। ये हम अब इसे करेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा जब ये कलर चेंज कर ले तो बस हमने इसमें आलू डाल देने। जी हमारी जो प्याज है ना वो थोड़ी सी जो है ना नरम हो गई है, हमने कलर भी नहीं चेंज करना है इसका, ना इसे गोल्डन ब्राउन करना है, बस इस तरह से इसका जो है ना थोड़ा सा बस आपको फील हो जाए कि जब ये थोड़ी सी नरम हो गई है तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। अभी तक आप देख सकते हैं कि ना मैंने इसमें नमक तो एंड पे ऐड करना है ना, वरना ये सारे जो है ना सब्ज़ी घुल जाएगी, हमने सब्ज़ी को घोलना नहीं है। अब आलू साथ फ्राई भी होंगे और साथ गलेंगे भी, इसे 5 मिनट के लिए अब हमने रख देना है स्टीम पे। अब जी हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा 5 मिनट के बाद आलू अभी फुल कुक नहीं हुए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये मैं बना रही हूँ हम 4 अंडों का अफगानी ऑमलेट है जितना मसाला है, आप उस हिसाब से जितने आपने बनाने हो क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी के करीब हल्दी, रेड चिली जो है अपनी लाल मिर्च अपने जायके के मुताबिक डाल लें, मैं इधर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी ना हमने ना इतना सा टुकड़ा जायफल का डाल दें, और इसे अच्छी तरह से अब हम कर लेंगे मिक्स। अभी तक आप देख सकते हैं मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब ये मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब इस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 ग्लास जो है ना पानी, यानी कि आधे ग्लास से भी थोड़ा सा कम। और 2 मिनट की लगा देंगे हम इसे स्टीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, और वो जो हमारा टमाटर है उसे ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1/2 ऐड करेंगे क्योंकि 1/2 हमने बाद में भी इसमें ऐड करना है, 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
से रख देंगे अब हम 5 मिनट की स्टीम पे। हमने इन टमाटर को और हरी मिर्चों को मैश नहीं करना। चलें जी, ये देखें जी, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से एक दफ़ा फेर के, ये देखें हमने जो है ना टमाटर वगैरह को बिल्कुल घोला नहीं है। अब इस तरह से इसे एक सीक्वेंस में कर लेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे। ये देखें एक सीक्वेंस में आ गया। अब हम इसमें बारी बारी सारे जो एग है ना उसे तोड़ के इसके ऊपर से ऐसे ध्यान से कि जर्दी जो है ना वो डैमेज ना हो, इस तरह से ही हम सारे अंडे इस पर तोड़ के डाल देंगे। देखें हमने चारों अंडे डाल दिए हैं और इस तरह से इसे थोड़ा सा हिला देंगे हम, ठीक है ऐसे। अब हम इसे दे देंगे स्टीम और इन एग्स को पकने देंगे। मीडियम हीट पे हमने इसे स्टीम दे देनी है 5 मिनट के लिए। अब ये देखें जी, एग्स जो हैं वो हाफ कुक हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, इस तरह से ना इसकी एक लेयर बना देंगे ऊपर, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ताकि एग्स में भी ना टेस्ट आ जाए। फिर दे देंगे इसे स्टीम। ये देखिए जी, हमारा जो है अफगानी ऑमलेट बिल्कुल तैयार है और इसे आप इस तरह से उठा के तो सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, आप इस तरह से इसे सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। बहुत इजी यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।